आलू गोभी की हलवाई स्टाइल सब्जी जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपने घर के किसी भी मेन ओकेज़न पे इसे बना के सर्व कर सकते हैं। गारंटीड ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। गाढ़ी ग्रेवी वाली ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम गोभी चाहिए, जिसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद वॉश कर लेंगे। और सब्जियों को हमें थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काटना है, क्योंकि हम इन्हें प्रेशर कुक कर रहे हैं तो सब्जियां तुरंत गल जाएंगी। तो इसके लिए सब्जियों को थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटिए। 5 मीडियम साइज़ के आलू को पील करने के बाद 2 टुकड़ों में काट के इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमें फाइनली चॉप करके ऐड करना है। प्याज और टमाटर को हम फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे अदरक ले लिया है मैंने, 12 से 15 किलो लहसुन ले लीजिए छील के, 4 हरी इलायची ले लेंगे और यहाँ पे 3 टमाटर लिया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स, जिससे सब्जी का कलर बहुत ही शानदार आता है, हलवाई इसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, यह है बीट रूट। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा, बहुत ही वाइब्रेंट कलर आता है। तो पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे बीट, लहसुन, हरी इलायची और अदरक को, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पेस्ट को बना लिया है, कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार आया है, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही रहेगी। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए कुकर में मैंने सरसों तेल ऐड किया है, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम गोभी और आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा सुनहला होने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कुछ ही देर में देखेंगे आपकी ये श्रिंक करने लगते हैं और बहुत ही अच्छा इनके ऊपर एक गोल्डन चित्ती आने लगती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये भुन चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भुनना है। इनके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाती है, क्रिस्पी सी, जो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं और सेम ऑयल में हम 2 टेबलस्पून तेल और ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ता, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी। अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। अब डालेंगे 1 पिंच हींग और लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि जीरा और कलौंजी चटक ना जाए तेल में, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक बस भूनना है हमें, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, 1.5 से 2 मिनट बस भूनिए, आप देखेंगे प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, ये देखिए। तो जैसे ही प्याज गुलाबी हो जाए तब हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे इसमें और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसमें बीट ऐड किया है हमने, अदरक लहसुन भी है जिसमें कच्चा फ्लेवर होता है। तो 2 से 3 मिनट आप इसे भूनेंगे तो देखेंगे इनके ऊपर तेल आने लगेगा, तब आप समझ जाइए ये मसाला भून के अच्छी तरह से तैयार है। उस स्टेज पे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, एक बार मिला लेंगे इसे। उसके बाद जितने भी सूखे मसाले हैं वो ऐड करके हम टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो मिलाने के बाद यहाँ पे ऐड किया है मैंने 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसी स्टेज पे हमें इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और इनके ऊपर तेल ना आ जाए। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो गया मसाले को भूनते हुए, आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है और कलर देखिए, इस पर मैंने कोई कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है, सिर्फ बीट रूट डालने से ये कलर आया है। अब डालेंगे इसमें भुना हुआ गोभी और आलू और इसके साथ मसाले को कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक भून लीजिए मीडियम फ्लेम पे। आप देखेंगे अच्छी तरह से मसाला लिपट जाएगा इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, तो लगभग 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है मैंने। आप हथेलियों के बीच रब करते हुए भी इसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बॉल में ही इसे इस तरह से रब करते हुए डाला है। इस तरह से डालने से इनका फ्लेवर काफ़ी इनहेंस हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिला लेना है कसूरी मेथी को। तो यहाँ पे आप सब्जी का कलर देख सकते हैं,
स्पेशली हमने जो बीट रूट इसमें ऐड किया है। तो मिलाने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो पानी आपको बहुत ध्यान से ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ आधा कप डालिए। ये देखिए अब मिला लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम एक विसल आने तक इसे पका रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ग्रेवी काफ़ी पतली बन जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं देगी। तो इसके लिए पानी सिर्फ आधा कप ऐड कीजिए, मसाले का टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा उससे। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिड लगा दिया और हाई फ्लेम पे एक विसल आने तक सिर्फ कुक कीजिए। तो यहाँ पे एक विसल आ गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रेशर निकल गया है और ये देखिए आप सब्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, और जैसे मैंने कुकर का ढक्कन खोला इतनी अच्छी खुशबू आई। जब इस सब्ज़ी को आप ट्राई करेंगे तब इस चीज़ को आप ज़रूर फील करेंगे। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई नहीं बोलेगा कि आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। और ये देखिए अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं, ये देखिए ये देखिए। अब और फ्लेवर बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए पूरी, पराठा, रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। यहाँ पे आपको मैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखिए, प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भूनिए और पानी आपको कम डालना है। तो इस सब्ज़ी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गारंटीड आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।